अहमदाबाद में। ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। और निंजा भैया कहाँ थे तुम? इतने दिनों से दिखाई नहीं दिए। बस बढ़िया, बिजी इन काम। मैंने तुम्हारा मैसेज देखा था कि 3 दिन का करंट अफेयर छूट गया है। नॉट अ बिग इशू, देख लिया एमसीक्यू आएगा, बस एक नज़र उस पर डाल लीजिएगा, बाकी जब वक्त मिले तो उसको कवर कर लेना। शुभ संध्या यार। आदि पुरुष का प्लान अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि रिव्यू व्यू सुनने के बाद में थोड़ा सा मन हट गया है, और जो बचा कुचा मन है ये थोड़ा सा डिपेंड करता है कि कब निकलता है। चलिए तो आइए जरा शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। निंजा, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था एक लड़की के चक्कर में। अरे बेटा गलत, लड़की के चक्कर में नहीं, पापा की परी के चक्कर में हुआ होगा। नहीं सही बात है, आजकल लड़कियां इतनी तेज स्कूटी चलाती हैं, तो मुझे लगता था सिर्फ मेरी कजिन के साथ में ही है, लेकिन ये हर लड़की के साथ में। स्कूटी की स्पीड तो मतलब स्लो हो ही नहीं सकती है। चलो तो आते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लूसेंट का आपका सेशन है, और यहाँ पे हम लोग जितने भी क्वेश्चंस को कवर करेंगे वो आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बट एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि इस बार सैटरडे को जो आपका क्लास होगा वो स्पेशल क्लास आपका 11:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक रहने वाला है। ओके, ये क्लास आपका यूट्यूब पे होगा, दिस विल बी थ्योरी बेस्ड। 12 बजे की पीरियड, अरे यार भूल गए थे। नहीं यार, हमारे पिताजी ने स्कूटी छीन ली थी, उसके बाद से मिली नहीं। देखो तुम लोग से झूठ नहीं बोलते हैं, सच में पिताजी ने स्कूटी छीन ली थी। अरे यार तुम लोग को मजाक लग रहा है, रियलिटी है ये, समझ ही गए होगे क्यों। ये कौन है भैया जिसका एजुकेटर इज रनिंग लेट, पता नहीं कौन सी घड़ी चला रहा है और कौन से वाले ऐप पे चला गया है। ऑलराइट, आइए जरा शुरुआत करेंगे। लेकिन उसके अलावा जैसे कि मैं आपको हर दिन बताती हूँ कि अगर आपने पेड बैचेस ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, और उनके ज्वाइन करने के लिए जो कोड है दैट इज प्रदीप10 अभी आपके पास में चल रहा है डिस्काउंट का सीजन, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, चलिए सवालों की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता हुआ, हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल बाउंड्री बिटवीन द अर्थ एंड द आउटर स्पेस इज नोन एज, यानी कि जो हमारा अर्थ का बाहर का हिस्सा जो होता है और जो आउटर स्पेस वाला पार्ट होता है उस पर्टिकुलर बाउंड्री को हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको उसका नाम बताना है। ये जिन भी बच्चों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी किया है, बेटा दोनों के दोनों ही गलत हैं। ये दोनों आपको कहाँ पे मिलते हैं? एटमॉस्फेयर के अंदर मिलते हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है अर्थ की बाउंड्री के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया उसके हिसाब से आंसर करिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैग्नेटोपॉज के नाम से इसको जाना जाता है। जी हाँ, मोदी जी इन यूएस, आप जानते ही हैं कि जब मोदी जी यूएस जाते हैं तो हर दिन कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलते ही है, मिलता है कि नहीं मिलता है। तो मोदी जी ने गिफ्ट किया है एक डायमंड, ग्रीन डायमंड भाई साहब, छोटी मोटी बात नहीं है, ग्रीन डायमंड जो है वो गिफ्ट किया गया। किसको गिफ्ट किया गया? फर्स्ट लेडी ऑफ यूएसए यानी कि जियो बाइडेन जी की धर्म पत्नी जी को ये गिफ्ट किया गया है। और ये जो ग्रीन डायमंड है ये इंडिया में कश्मीर में पाया जाता है, इसी को यहाँ गया है। चलो अब क्या करें,
चलिए अगला सवाल. Who among the following was the founder of Bijapur State? Bijapur State के founder का नाम आपको बताना है. Bijapur State. यूसुफ आदिल शाह. वैसे आप देखोगे तो यूजुअली आदिल शाह लिखा हुआ आता है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि आदिल शाह एंड बीजापुर इन दोनों का नाम आपस में जुड़ा हुआ है. ये बीजापुर नाम की जगह प्रेजेंट टाइम में आपको कहाँ पर देखने को मिलती है, कहाँ पर मिलती है बीजापुर? छत्तीसगढ़ कौन बता रहा है? अच्छा, और कुछ लोग कर्नाटका भी बता रहे हैं. अच्छा, ये वाला बीजापुर बताओ, जो ये वाला बीजापुर है, आदिल शाह वाला बीजापुर बताइए. ओके, कर्नाटक यूपी में है, यूपी में है. अरे भगवान जी, यूपी में है. अच्छा. अरे भैया, ये यूपी में नहीं है, कर्नाटका में है. कहाँ पे है? कर्नाटका के अंदर आपको मिलेगा क्या, बीजापुर. आपको अगर याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था कि मराठा डायनेस्टी के टाइम पे भी आप देखेंगे तो आदिल शाह का नाम आपको सुनने को मिलता है. मराठा डायनेस्टी यानी कि शिवाजी द ग्रेट, इनके जो फादर थे वो भी यहाँ पे किस जगह पे थे, इन्हीं की डायनेस्टी में काम किया करते थे. ये भी मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया था. चलो नेक्स्ट पे अगला. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द बुद्धा एंड हिज धम्मा या धम्मा? आपको बताना है कि ये जो किताब है, ये किताब किसके नाम से जुड़ी हुई है. बहुत फेमस पर्सनालिटी. ओके, राजमोहन गांधी. करीबन 28% बच्चों ने इसका जो आंसर किया है वो किया है राजमोहन गांधी. देखो, सरोजिनी नायडू जी का तो नाम वैसे भी नहीं हो सकता था. अगला नाम है जवाहरलाल नेहरू जी का, ये नाम भी नहीं हो सकता था. बचे थे दो ही ऑप्शन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी आर अम्बेडकर जी इज द करेक्ट आंसर. अरे यार, सिंपल सी बात है, जब बुद्धिज्म का नाम आएगा तो बी आर अम्बेडकर जी का नाम आएगा ही आएगा. ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी की आप बात करोगे तो इनकी जो डेथ होती है, फिर हम लोगों ने अंबेडकर सर्किट के बारे में भी पढ़ा हुआ है. अंबेडकर सर्किट में टोटल कितनी जगह आएंगी, तो टोटल आपको कितनी जगह मिलेंगी, 5 जगह मिलती हैं. इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी काफ़ी सारी बुक्स हैं, लाइक फिलोसफी ऑफ हिंदुज्म, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कास्ट इन इंडिया, ये जितने भी किताबों के नाम हम बोल रहे हैं ना, ये सब की सब किससे जुड़ी हुई हैं? बी आर अम्बेडकर जी के नाम के साथ में जुड़ी हुई हैं. एंड सबसे इम्पोर्टेंट, वेटिंग फॉर वीजा. ठीक है, वेटिंग फॉर वीजा. हाँ, हम पापा की परी नहीं थे इसलिए पापा ने हमसे गाड़ी छीन ली. अब बताओ क्या करें. नेक्स्ट पे. व्हाट सिचुएशन वुड रिजल्ट इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द रेवेन्यू ऑन करेंट अकाउंट? ठीक है, ऑन करेंट अकाउंट सोच लो आराम से. ऑप्शंस आर हियर. बोल नहीं आ रहा है बेटा, बोल तो मेरे सही से गया है. अच्छा एक सेकेंड. मैम, हु कैन रिमूव द कैलकुलेशन चेज बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इफ द ऑप्शन ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट कम्स? आपको प्रेसिडेंट मार्क करना है बेटा.
कैग को हटाने का जो राइट होता है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आप कहीं पर भी देखोगे तो वो राइट राष्ट्रपति के पास में होता है, ओके, कैग को हटाने के लिए. बट द थिंग इज कि जब राष्ट्रपति किसी को हटाते भी हैं तो वो उनकी खुद की इच्छा नहीं होती है, राइट, वो उनकी खुद की इच्छा नहीं होती है, वो एक्चुअल में किसके कहने पे काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे काम करते हैं. इसलिए कई बार पार्लियामेंट लिखकर आता है बट आपको आंसर जो है वो प्रेसिडेंट ही मार्क करना है, ओके. इसका राइट आंसर क्या होगा, डेफिसिट बजटिंग कहा जाता है. अरे सिंपल सी बात है, जब सरकार के खर्चे ज्यादा हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, बेटा अब ज्यादा नहीं हो रही है पापा की परी है, ज्यादा नहीं तुम लोग को पापा की परी याद आ रही है, बस भी करो, हो गई पापा की परी, घर तक छोड़ने जाओगे क्या उसको, पापा के परे. पार्लियामेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो क्या दिखता है, देखिए भैया पार्लियामेंट का हो, सेंटर का हो, स्टेट का हो, किसी का भी कोई भी फाइनेंस हो, सारा का सारा क्या ही दिखता है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, बताओ अगला. द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ब्रिक कॉन्स्टेंट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज किसके द्वारा चेयर किया गया या फिर किसके द्वारा इसको हेड किया गया. इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया. अगर यहाँ पे 2023 होता तो इसका आंसर क्या हो जाता, उस केस में भी आंसर ब्राजील नहीं होता, उस केस में भी आंसर साउथ अफ्रीका होता. मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर ब्राजील मार्क किया है. नेक्स्ट पे आइएगा. अगला, क्वाड इज अ ग्रुप ऑफ, क्वाड इज अ ग्रुप ऑफ, एक सेकेंड, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ये चारों के चारों मिला के क्या बनाते हैं, क्वाड ग्रुप बनाते हैं. इसका प्रपोजल आता है इस समय पर, लेकिन इसको बनाया जाता है कब, इस समय पर. शिंजो आबे, जीपीएस स्टैंड्स फॉर, जीपीएस स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार आपके पेपर में पूछा भी गया है. क्या होगा इसका आंसर, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. देखो हम लोग के फोन में भी जब आप देखते हैं तो आपको जीपीएस सिस्टम देखने को मिलता है, राइट. तो जीपीएस क्या करता है, आपके एग्जैक्ट पोजिशन को बताने का वो काम करता है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोजिशनिंग सिस्टम होता है. व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंस इज फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होते हैं उसके अंदर किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है. इसका आंसर क्या बनेगा, मर्करी, पेपर एंड आर्गन का इस्तेमाल किया जाता है. प्रॉन, प्रॉन होता है झींगा, हाँ जी बताइए. इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज ऑर्थोपोडा, क्या है, ऑर्थोपोडा. अगला,
नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो होता है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, आपको डेट बतानी है। ये जो टेस्ट होता है कहाँ पे, पोखरण के अंदर, सेकेंड वाला न्यूक्लियर टेस्ट, इसके टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर, उसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे, है ना। अगर आपसे कहा जाता है नेशनल साइंस डे तो ये तो आपको कब मिलता है, फेब में, कब मिलता है, फेब में, सी वी रमन या फिर रमन इफेक्ट के लिए आपको ये दिन मिलता है। लेकिन क्वेश्चन में टेक्नोलॉजी डे पूछा गया है, क्या है, टेक्नोलॉजी डे। भैया ये 18% बच्चे कौन है जिन्होंने इसका आंसर 31st of May आंसर किया है। अब थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं रह गई है तुम लोगों में, हैं? 31 मई को क्या होता है, एंटी टोबैको डे होता है। भगवान जाने टेक्नोलॉजी का टोबैको से कौन सा लेना देना है, जबकि एंटी टोबैको डे भी कह रहा है वी नीड फूड, क्या कह रहा है, वी नीड फूड, तब भी तुम अलग कहानी सुना रहे हो। हाँ भैया हाँ, सीजीएल का जो स्टेटस है वो धीरे धीरे करके आना शुरू हो चुका है, मैंने आपको परसों ही या फिर कल ही एक जगह का स्टेटस शेयर भी किया, टेलीग्राम चेक करिए, अभी क्या करके आना शुरू हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट पे आओ। अगला, इसरो हैज प्लान टू सेट अप द इंडियाज ओन स्पेस स्टेशन बाय। अब देखो इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहेंगे, बार बार ये चेंज हो रहा है, फिलहाल के लिए आंसर क्या बनेगा वो बता दीजिए, ये बार बार चेंज हो रहा है। ओके इसका राइट आंसर क्या होगा, 2030। अभी ये देखना है कि होता है कि नहीं होता, तो बात की बात है। From which country Indian Constitution has taken the concept of speaker? Speaker का जो concept है वो हमारे constitution में कहाँ से लिया गया है? जब हम borrowing of Indian Constitution पढ़ते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा, जहाँ से parliamentary system आएगा वहीं से आपका speaker आएगा। तो parliamentary system कहाँ से आया हुआ है, USA से आया है parliamentary system, 24% बच्चों ने ये बात कही है, बहुत बढ़िया, very good। 25% निकल चला है। ये कौन मान भाव है जो हर क्वेश्चन के बाद में यहाँ पे लीडर बोर्ड की डिमांड कर रहे हैं। बेटा लीडर बोर्ड क्लास के अंत में आता है, पहले क्वेश्चंस तो सॉल्व करो। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पर ये है कि जो लोग यूएसए बोल रहे हैं, या तो आपने पढ़ाई करना छोड़ दिया है, बिल्कुल त्याग ही दिया है, तो प्लीज थोड़ी सी पढ़ाई कर लीजिए। इसका आंसर क्या होगा, ब्रिटेन बनेगा। मैंने यहाँ पे इतना हिंट भी आपको दे दिया था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है जहाँ से आया है वहीं पर आपको स्पीकर का कॉन्सेप्ट मिलेगा, उसके बाद भी गलत बता रहे हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन होगा। जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो क्या आएगा, यूएसए आएगा। प्रियम्बल बोले तो प्रियम्बल में भी क्या आएगा, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जर्मनी में क्या हो जाएगा, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का क्या हो जाएगा, सस्पेंशन आपको देखने को मिलता है। ओके अब गलत मत करना किसी के सामने। चलो नेक्स्ट पे आओ, अगला सवाल, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द मद्रास लेबर यूनियन, ये किसके द्वारा बनाया गया, मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास के अंदर बीपी वाडिया के द्वारा बनाया गया। अच्छा एक चीज और, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है कि आज क्लास में पहली बार आए हैं,
तो जो भी मानभाव पहली बार आ जाए हैं, क्लास का समय पहली चीज तो शाम को 4 बजे है। दूसरा, अगर आपको पीडीएफ की नीड है, अगर आप चाहते हैं पीडीएफ, तो इसे वीडियो के नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बार बार एक ही चीज कॉपी पेस्ट मत किया करिए, कमेंट बॉक्स को भी खराब लगता है, उसकी भी अपनी खुद की फीलिंग्स हैं कुछ। चलो नेक्स्ट पे आओ, अगला सवाल। द ताल चपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? ताल चपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? राजस्थान के अंदर मिलेगा। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर वेस्ट बंगाल तक कर दिया है। अगला, दरिंगबादी हिल स्टेशन कहाँ पर लोकेटेड है? ये हिल स्टेशन आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? इसका आंसर होगा ओडिशा के अंदर आपको मिलेगा। कहाँ है? ओडिशा के अंदर। ओडिशा अभी काफी ज्यादा सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ पे चल रही है जगन्नाथ रथ यात्रा, यानी कि पुरी के अंदर आपको ये जो यात्रा है ये देखने को मिल रही है। इसके अलावा नेल्चर हिल्स जो है, जैसे कि नेल्चर हिल्स जो है, ये भी आपसे कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, ये नेल्चर हिल्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? आसाम के अंदर, क्योंकि आज है 22 तारीख, तो आज कामाख्या माता टेम्पल में अंबुबाची मेला इसी जगह पर मनाया जा रहा है, और इसी के साथ में खुशबू भैया का हैप्पी वाला बर्थडे भी मनाया जा रहा है ना। चलिए, खुशबू भैया से ट्रीट ले लेना भाई, सब लोग पता चला रह जाए कोई। अगला, नेम द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होगा? मेहरबानी करके डायरेक्शन को थोड़ा सा दिमाग में रख के आंसर करिएगा। काफी सारे बच्चों ने इसका आंसर किया हुआ है भारत। क्या किया है? भारत। भाई नॉर्थ में आप देखेंगे तो आपको इंदिरा भवन मिलेगा, साउथ में देखोगे तो आपको इंदिरा पॉइंट मिलेगा, ईस्ट में आओगे तो आपको किबीथू मिलेगा अरुणाचल प्रदेश वाला, और अगर आप वेस्ट में आएंगे तो क्या मिलेगा? मासी का बर्थडे है, हैप्पी वाला बर्थडे टू हर, वो भी इसमें, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी आपको इसमें मिलेगा। गुजरात, ओके, गुजरात ये किधर की तरफ आ जाएगा? गुजरात की अगर आप बात करेंगे तो ये आपके वेस्टर्न साइड पर मिलेगा, और ईस्ट की बात करोगे तो आपका जो तवांग, किसी बच्चे ने बोला है तवांग जो है वो भी आपका ईस्ट पे है, लेकिन वो आपका अरुणाचल के हिसाब से वेस्टर्न साइड पे है। ठीक है, हाँ, अगर आपसे लैंड एरिया पे पूछा जाएगा सदर्न मोस्ट पॉइंट, तो केप कॉमरिन होगा, राइट? तो केप कॉमरिन होगा तमिलनाडु। अगला सवाल बताइए, हमारे ऋग्वेद संहिता डिनोट 1/4 ऑफ हिज हिम्स टू को डिवोटेड है, किसको डिवोटेड है? भगवान इंद्र। अगला, अमेरिका अफगानिस्तान बेन ड्यूरेंट लाइन पे अफगानिस्तान के अंदर पहुंचा, क्योंकि जो ड्यूरेंट लाइन डिवाइड गई थी, ये ड्यूरेंट लाइन अफगानिस्तान आपको मिलती है,
आपको बताना है उस टाइम पे अफगानिस्तान के अंदर कौन था, मतलब रूल कौन कर रहा था। मद्रास हैड साइंड अ ट्रीटी विद टीपू सुल्तान, गवर्नर का नाम, गवर्नर का नाम। टीपू सुल्तान का जब भी नाम आएगा आप सबको पता है कि मैसूर डायनेस्टी जो है वो टीपू सुल्तान के नाम के साथ में जुड़ी हुई है, यानी कि कर्नाटका के अंदर। टीपू सुल्तान से पहले आपको नाम देखने को मिलता है हैदर अली का। आपको बताना है कौन सी ट्रीटी साइन की जाती है। सर आर्ची बदल ख्याम पेल, अच्छा नहीं, इसका आंसर क्या होगा, जॉर्ज मैककार्टने। अगला, रेडिएशन इन्वर्जन अकर्स ओनली ऑन, इन्वर्जन मतलब पलट के वापस आना, कहां पर होता है, किस जगह पर होता है। सोनाली की काऊ का नाम गुजरू, अरे भाई सर हम तो गुजरात को प्यार से गुजरू कहते हैं। ओशियन सरफेस से आपको इन्वर्जन देखने को मिलता है, अच्छा 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 अच्छा, लैंड सरफेस से होता है। सीटीओ बबल मार्क्स, ये जो नाम है आपको बताना है, ये जो पर्टिकुलर नाम लिखा हुआ है ये कहाँ पर जगह। अगेन आई एम टेलिंग कि जो भी बच्चे आ जा रहे हैं सैटरडे को आपका एक स्पेशल क्लास रहेगा सुबह 7 बजे, करेंट अफेयर्स तो डेली होते ही है यूट्यूब पे, उसके बाद में सैटरडे को 11:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक आपका 1 घंटे का क्लास होगा। फाइन, तो प्लीज क्लास में समय पर आइएगा, वो क्लास भी आपका यूट्यूब पे ही रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील। द ओथ ऑफ द वायु पुत्र, नो अगला, अनोमा इसका मूसा साइंटिफिक नेम किसका है, साइंटिफिक नेम किसका है। कर्सर एप्पल। अगला, हैंडन स्टेडियम कहां पर लोकेटेड है, कहां पर लोकेटेड है। ये जो जीके का सेक्शन है ना ये मंडे से स्टार्ट होगा यूट्यूब पे, अभी आपका जीएस का पार्ट चल रहा है ना मॉक में, आपका जीके स्टार्ट होगा जॉर्जिया में। अगला, द सिटी राजमुंद्री ये कौन सी नदी के किनारे पर है और क्यों फेमस है, आपको ये भी बताना पड़ेगा। ठीक है, क्यों फेमस है। अगला, द डांस बॉल कीर्तन इस फेमस है, कहां पे फेमस है। देखो ये परफॉर्म तो दोनों जगह पर होता है, ठीक है, परफॉर्म दोनों ही जगह पर होता है, उड़ीसा हो या फिर वेस्ट बंगाल हो, दोनों जगह पे आपको मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिशियन इज इंडियाज ओनली फीमेल शहनाई प्लेयर, ओनली फीमेल, ओनली फीमेल। गिरिजा देवी,
भगवान, डांस में आता है ये ना। इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? बागेश्वरी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र तारामती। अरे भैया क्या हो जाएगा? कल सुबह हरिश्चंद्र रेंज के ऊपर आपको ये लोकेशन मिलती है। बाघ का फुल फॉर्म क्या है? बाघ का फुल फॉर्म क्या है? महाराष्ट्र कहते हैं। और ये रहा आपका आज का आखिरी सवाल, फुल फॉर्म। फुल फॉर्म फर्स्ट ऑफ दिसंबर को ये डे भी होता है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चंस को कर लिया है सॉल्व। आई होप कि आप सबने मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट किए होंगे। दिस इज योर लीडर बोर्ड, आपके सामने ये रहा लीडर बोर्ड, ठीक है। देख लीजिए भैया, जिनको लीडर बोर्ड नहीं दिख रहा है नहीं। चलो तो मिलते हैं आप लोगों से सुबह। टिल देन बाय बाय।